बैजिंग मिल जाती है ट्रियो प्लस की, देख सकते हैं चाबी लगने के बाद यहाँ पे मीटर देख सकते हैं कुछ प्रकार से। आप ये सीट बनवाएं तो इसमें कितना खर्चा लगा है? 3 लोगों की पासिंग है, लेकिन इसमें आप कितने सवारी बैठा लेते हैं? 8 सवारी बैठाते हैं तो गाड़ी को चलने में कोई दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं है। इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है? 60 तक जाती है। और वो एक बार चार्ज करने में 3 घंटे 50 मिनट में फुल चार्जिंग, फुल चार्ज, और 150 किलोमीटर चलती है। आने में 1200 रुपये खर्चा लगा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हमारे सामने महिंद्रा की ट्रियो ब्लू कलर में फर्स्ट बार में वीडियो होनर रिव्यू कराने जा रहा हूँ। तो भैया हमारे साथ में और सारी वीडियो में जानकारी लेंगे, कितने की पड़ी गाड़ी और कितना इसका एवरेज निकल के आ रहा है, और सारी जानकारी देंगे। फाइनेंस पे लिए हैं, कैश लिए हैं, और पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दिएगा लाइक। तो देखिए दोस्तों, हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों सामने की प्रोफाइल की बात कर लिया। सामने के प्रोफाइल में आपको मिल जाता है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको बात करेंगे, यहाँ पे एक नंबर मिल जाता है आपको। 2400 घंटे में कभी भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर जानकारी ले सकते हैं, और कभी भी आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो वहाँ पे इस पर आप कॉन्टैक्ट कर जानकारी, आपकी गाड़ी अभी वहीं से टूल कर ली जाती है। यहाँ पर बेहतरीन विंड ग्लास मिल जाता है आपको, वाइपर मिल जाता है, और यहाँ पर इंडिकेटर, और यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है ट्रियो प्लस की, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे नंबर प्लेट, और यहाँ पे महिंद्रा का लोबो, और यहाँ पे महिंद्रा का नया वाला ग्रिल जो दिया गया है, और कुछ इस पर देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। आगे का सस्पेंशन और टायर देख सकते हैं दोस्तों, 12 इंच के टायर मिल जाते हैं। और साइड की प्रोफाइल की बात कर लिया दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन साइड प्रोफाइल मिल जाता है। और इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर सीट, यहाँ पर भैया ने अलग से लगवा रखा है, जो कंपनी से मिलता है एक ही सीट मिलती है। और यहाँ पे हैंड ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे, और ब्रेक वाइल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे हैंडल देख सकते हैं, यहाँ पे चाबी कुछ इस प्रकार से लग जाती है, और यहाँ पे चाबी लगने के बाद यहाँ पे मीटर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से मीटर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं 150 किलोमीटर चलती है, एक वन चार्ज में 150 किलोमीटर चलती है, 3.5 घंटे में फुल चार्जिंग। हाँ हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे 3.5 घंटे में फुल चार्ज आती है। और यहाँ पे देखते हैं कुछ, यहाँ पे इको मोड, बूस्ट मोड दिया गया है, और कुछ हॉर्न इंडिकेटर यहाँ पे सभी दिया गया है, हैंडल में ही देख सकते हैं। और यहाँ पे लाइट डिपर और वाइपर के लिए दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है सामान रखने के लिए, और साइड का जो ये शीशा मिल जाता है, इसमें आपको अच्छे तरीके से दिखता है कि नहीं दिखता है? तो यहाँ पे अच्छे तरीके से दिख जाता है शीशा भी। और इस साइड का जो देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे लॉक है, ये बंद है, और ये सीट अलग से बनवाए हैं। आप ये सीट बनवाएं तो इसमें कितना खर्चा लगा है? 1200 रुपये लगा है ये पूरा सीट जो बनवाने में 1200 रुपये खर्चा लगा है। और पीछे की सीट की बात कर लिया, तीन लोगों की पासिंग है, लेकिन इसमें आप कितने सवारी बैठा लेते हैं? 8 सवारी बैठा लेते हैं। 8 सवारी बैठाते हैं तो गाड़ी को चलने में कोई दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं है। इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है? 60 तक जाती है। और वो एक बार चार्ज करने में 3 घंटे 50 मिनट में फुल चार्जिंग, फुल चार्ज, और 150 किलोमीटर चलती है, 150 किलोमीटर चलती है गाड़ियाँ, 120 किलोमीटर चलाते हैं, 120 एक्स्ट्रा रखते हैं जी जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा रखते हैं कि मतलब जैसे हमारी गाड़ी ख़राब हो, हाँ हाँ, कोई चीज़ हो जाए, हमारे टायर है या पंचर हो जाए, हाँ हाँ हाँ, मान लो हम इसका ट्यूब भी बांधे और हम एजेंसी तक अपने पहुँच सकते हैं। हाँ हाँ, हमारी एजेंसी महिंद्रा, हाँ हाँ, भारत गुलाब घाट पे जी जी जी, ठीक है जी। अच्छा, अभी तक सर्विसिंग कुछ कराएं गाड़ी का? एक सर्विसिंग करा चुका, सर्विसिंग कराने में आपको महिंद्रा की तरफ से कोई दिक्कत हुआ है? जैसे कि सर्विसिंग सेंटर में जाते हैं तो ऐसा कभी हुआ कि सर आपकी गाड़ी खड़ी रही हो? और महिंद्रा बहुत अच्छी है, महिंद्रा बहुत ईमानदार है जी। महिंद्रा में जाने के बाद गरीबों का बहुत ध्यान रखा जाता है जी जी। मैं ब्राह्मण हूँ जी, और मंजूरी किसी के यहाँ कर नहीं सकते थे जी जी, लेकिन अब पैसा कमाना है तो रिक्शा तो चलाना ही पड़ेगा जी जी जी। सरकार या कोई भी है। अच्छा, ये गाड़ी आप कितने के लिए थे? ये गाड़ी है हमारी गाड़ी, ये पड़ी है 5,10,000 रुपये। 5,10,000 रुपये, 1,04,000 रुपये नगद जमा किया जी, और बाकी 11,583 रुपये महीने की किस्त कराया जी जी, ठीक है। तो अच्छा, ये गाड़ी चलाते हैं आप तो गाड़ी किस्त आराम से निकाल लेते हैं? घर का खर्चा गाड़ी किस्त निकल जाता है आराम से? भाई मैं ये कह नहीं सकता हूँ, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, जिंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं है जी जी, ठीक है जी। एक कर्म पर हो, सबके अपने अपनी भाग्य होती है, सब कर्म भाग लेके पैदा होते हैं जी जी, ठीक है। रोड पे निकलने बाद भगवान स्वयं चलाते हैं, मैं नहीं चलाता हूँ, लेकिन जो वो दे देते हैं वही हमारे लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर भाई। ड्राइवर भाई ने हमें बता दिया है इसके बारे में जो भी। और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रियो प्लस की बैजिंग मिल जाती है, और पीछे का टायर को बात कर लिया तो पीछे का टायर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है।
375 या आते हैं 12 इंच के टायर मिल जाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। और पीछे की प्रोफाइल की बात कर लिया तो पीछे भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और इसका जो यहाँ पे मिल जाता है आपको आगे ड्राइवर भाई बैठे बैठे वहाँ से देख सकते हैं, और रिफ्लेक्टर पट्टी, इलेक्ट्रिक की बैजिंग, और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटर, ब्रेक लाइट, और यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग, और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगा हुआ है। यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है छोटा सा, और यहाँ पे एक देखने के लिए मिल जाता है। और नीचे के सस्पेंशन की बात कर लिया तो नीचे का सस्पेंशन मिलता है, देखने मिल जाता है दोस्तों। और इसमें बैठने के बाद सवारी लोग ऐसा कहते हैं कि झटका लगता है कि कम लगता है इसमें? ये ना गाड़ी पलट सकती है जी, ना इसमें झटका लगता है जी। इसमें बैठने के बाद सीधे मारुति में आप बैठे हैं जी जी, इसमें झटका नहीं लगता है तो दोस्तों, नहीं ना किसी पैसेंजर को कोई धोखा है जी जी। और ना ये गाड़ी ऐसी रोड पे निकली है, जैसे इस गाड़ी का नंबर देखिए जी, जैसे नंबर देख लीजिए तो तुम्हारा कोई भी सामान है, कोई भी गलत बात कुछ भी नहीं है इसमें। पूरा पैसेंजर को विद्वत आराम चाहिए। अच्छा, इन रिक्शों से इस रिक्शा में क्या अंतर आपको लगता है? ये जो ई रिक्शे हैं जी, इस रिक्शे में उसमें क्या अंतर है? ये रिक्शे हमारे समझ से बाहर है जी, फिलहाल थे लेकिन अब नहीं है। हाँ हाँ, तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। और ये यहाँ से ओपन हो जाता है दोस्तों, खुलने का ये जो है, हाँ यहाँ से देख सकते हैं ये लॉक खुल जाता है। और इसमें बैठने के बाद मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको, मैं चलाता हूँ। और देखिए ड्राइवर भाई बोल रहे हैं मैं चलाता हूँ थोड़ा, तो चला के दिखाएंगे अभी, थोड़ा सा घुमाएंगे। और देखिए इसमें बैठने के बाद काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है आपको, और यहाँ पे दो लोग आगे बैठ जाते हैं, अगर 8 से 8-9 लोग आराम से बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लोग इधर बैठ जाएंगे आराम से, 3 से 4 भी बैठ जाते हैं, और इधर भी 3 बैठ जाएंगे। देखिए हमारी 114 है, 114 किलोमीटर अभी चलेगी गाड़ी। अब देखिए मीटर, हाँ हाँ, यहाँ पे अभी दिखा रहा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, अभी 114 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। मैं चलता हूँ, देखो कितनी चलती है। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रही गाड़ी अभी, और इसकी स्पीड में दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे 40, 41, 43 तक जा रही है गाड़ी, देख सकते हैं आप लोग, अभी 55-60 तक जाती है गाड़ी है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्पीड में गाड़ी चल रही है, मैं आपको चलाने के दिखा भी दिया हूँ, और देख सकते हैं कितना अच्छी गाड़ी चल रही है, बिल्कुल भी इसमें झटके नहीं लग रहे हैं बैठने के बाद इसमें दोस्तों। इसमें मैं बैठा हूँ अभी, गाड़ी चल रही, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा धुंधला है इसलिए, और गाड़ी अभी चल रही है दोस्तों, और इसमें बिल्कुल भी झटके नहीं लग रहे हैं, देख सकते हैं मैं बैठा हूँ और गाड़ी में बिल्कुल भी झटके नहीं लग रहे हैं, आराम से गाड़ी चल रही है। हमने गाड़ी में बैठ के आपको दिखा भी दिया है कितनी बेहतरीन चल रही है गाड़ी, में बैठने के बाद बिल्कुल भी झटके नहीं लग रहे हैं। मैंने करीबन 1 किलोमीटर तो घुमा के राउंड मारी दिए, 1 किलोमीटर हमने चला, भाई ने चलाया, ड्राइवर भाई ने, और 1 किलोमीटर हम बैठ के इसमें सैर किए हैं, और काफ़ी बेहतरीन गाड़ी चल रही है। और भी कुछ महिंद्रा के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ भी अगर कुछ में कुछ कमी अगर लगी हो आपको तो कुछ इसके महिंद्रा एजेंसी ना धोखेबाज है जी जी, और महिंद्रा का रिकॉर्ड बहुत साफ है जी, हम लोग गद्दारी ना करें जी तो एजेंसी से कोई कमी नहीं है जी जी। जैसे हमको गाड़ी दे दिया, हाँ 5 लाख हमने 1 लाख रुपये दिया, 1,04,000 रुपये, और हमको 5 लाख रुपये की गाड़ी दे दिया, ये 382 की नकद गाड़ी है जी। लेकिन इसका आपको महिंद्रा एजेंसी का ब्याज बहुत तगड़ा है। सब्सिडी कितना मिला है? सब्सिडी इसमें कुछ नहीं है, सब्सिडी नहीं मिली। नहीं सब्सिडी मिलता है 83% तो छूट जो है वो 83,000 रुपये, 3,82,000 की नकद गाड़ी है, और 83,000 सब्सिडी छोड़ दिया, निकाल दिया गया। अब 83,000 रुपये वो भी जोड़ दीजिए 3,82,000 में, तो कितने में पड़ गई गाड़ी? तो पड़ गई फिर तो बहुत लंबी। हाँ, और इसके ब्याज के बारे में कहना चाहते हैं थोड़ा, मैं वीडियो ब्याज जो लगाया जा रहा है, ब्याज दर में कमी किया जाए, क्योंकि
ये गाड़ी कोई भी लेता तो हम ज़्यादातर मान लीजिए गरीब भाई ही लेते हैं, कोई अमीर आदमी नहीं लेता है। तो इस गाड़ी पे ब्याज 13% लगाया जा रहा है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? भैया आप क्या करें, मजबूरी है जी, अब चलाना तो वही है जी। तो आजकल रोड पे बहुत सी गाड़ियां हो गई हैं जी, तो हर एक पैसेंजर को भी जल्दी है जी। जैसे अब ये सोचते हैं कि हमको जल्दी पहुंचना है जी, और भैया इस गाड़ी जैसे मान लो ये रिक्शा है तो ये 60 की स्पीड चलती है जी जी। कोई सर्विस सरकारी या स्कूल टीचर है जी, या वकील है, कचहरी हो या स्कूल हो, तो इसको हम टाइमली पहुंचा सकते हैं जी जी। इस गाड़ी में एक क्षमता है जी जी। और पैसेंजर से मान लो अभी हमको रोडवेज पे करना है, जैसे राजू चौराहा पे हम खड़े हुए हैं और 7:30 बजे की गाड़ी है इलाहाबाद की, अब यहाँ से किसी और किसी गाड़ी में बैठेंगे तो 2 घंटा 2.5 घंटा लगाते हैं, लेकिन इसमें हम वहाँ पर रोडवेज 40 मिनट में पहुँचाऊँगा, 40 मिनट बहुत हमारे लिए। इस गाड़ी से 42 किलोमीटर हमारे लिए बहुत। लेकिन बस इसके तरह से महिंद्रा की तरह से एक ही कमी है जो इसका ब्याज जो ज़्यादा लग जा रहा है, 100% ब्याज है, गरीब आदमी क्या करे। ब्याज भैया इसमें किसी से नहीं कहेगा, सरकार से कहूँगा और मैं एजेंसी के मैनेजर और उस मालिक से कहूँगा, थोड़ा हम लोग गरीबों का ध्यान रखा जाए। जय सिया राम, जय बागेश्वर। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो ब्याज लग रहा है काफ़ी हद तक ज़्यादा लग रहा है। ये गाड़ी कोई भी लेता है तो गरीब ही आदमी लेता है, आमतौर पर हम जैसे गरीब लोग होते हैं वही लोग लेते हैं गाड़ी, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो इसमें ब्याज दर कम किया जाए। और कहना है भाइयों जी, गाड़ी लेने से पहले जी हर एक इंसान को जी पहले ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए जी जी। लाइसेंस बनवाने के बाद एक साल पहले का लाइसेंस होना चाहिए जी जी। इसके बाद में आप कोई भी एजेंसी से जुड़े कभी, पैसेंजर को भी आराम है, आपको भी आराम है और घर परिवार को भी आराम है और बाकी भैया आपको भी जय सिया राम। जय सिया राम। तो देखते हैं दोस्तों बस यही एक कंप्लेन है सभी ड्राइवर भाइयों का कि इसका जो ब्याज दर लग रहा है बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो महिंद्रा को मैं कहना चाहूँगा अगर ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग ब्याज दर में कमी कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्याज लग रहा है, गरीब आदमी परेशान हो जा रहे हैं। तो आशा कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो महिंद्रा तक पहुँच सके। और बोलिए हम इस रोड पर निकलते हैं जी, हमारा घर बड़नापुर पड़ता है जी जी, ग्राम सभा गनियापुर दुलमा जी जी। मैं बहराइच से आया हूँ सवारी लेके जी, अब मैं यहाँ 5 मिनट खड़ा हो गया जी जी। मान लीजिए भैया जी हमको 2-3 लोग मिल गए तो क्या मैं इस चौराहे पे बैठा नहीं सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल बैठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक चौराहे पे टकाही हो रही है, लोग टोकते हैं जी जी, जो हमारे दरवाजे पे टाटा आ रही है जी जी, ये फलानी गाड़ी आ रही है जी। लेकिन हम लोग भी पैसा जमा किया, 13% रोड पे ब्याज देते हैं तो हम सवारी किसी चौराहे पे नहीं बैठा सकते। नहीं, आप कहीं भी बैठा सकते हैं, इसका परमिट नहीं है, आप कहीं भी सवारी कहीं भी बैठा सकते हैं। हमारा लाइसेंस है जी, मैं रोड का हर एक वाकिफ है, क्षेत्र का हूँ। ये गाड़ी है, ये गाड़ी हुई या कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी हुआ, आप कहीं भी लेकर कहीं भी चला सकते हैं इस गाड़ी का। हम भाई जिले में ड्राइवर भाई गरीब आदमी पूरे पूरे बहराइच जिले में कहीं भी जा सकते हैं जी जी, पूरे जिले में कहीं भी चला सकते हैं। मजबूर ना होता तो ये रिक्शा ड्राइवर भाई नहीं चलाते। सही बात है जी जी। तो सरकार से और आप लोग से यही कहना है भैया जी कि हम लोग गरीबों का ध्यान रखा जाए जी जी, और बड़ों से जी दलाली से मुक्त कराया जाए जी। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। मैंने आपको होनर रिव्यू करा दिया है ड्राइवर भाई से और संपूर्ण जानकारी आपको दे दिया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर ज़्यादा सही पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।